श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोगों ने अब तक जो 119 चर्चाएं की हैं, उसमें हम लोगों ने देखा आधुनिक मानव के लिए श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कितना महत्वपूर्ण है। जो संदेश 5000 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह इतने वर्षों बाद भी कितना प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है, मनुष्य का कलेवर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु वह जो मनुष्य के मन में काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, यह जो 5000 वर्षों पूर्व जिस प्रकार से मनुष्य के मन में थे, आज भी प्रत्येक मनुष्य के मन में ये दुर्गुण विराजमान है और इन दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध करना अत्यंत महत्व का है। और बार बार श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को कहते हैं युद्धस्य युद्धस्य युद्धस्य, मानो युद्ध करने की जो घोषणा करते हैं वो दो अर्थों में हम लोग लेते हैं कि एक तो वह जो कुरुक्षेत्र का युद्ध करने के लिए और दूसरा वह युद्ध जो हमारे मन के भीतर में कुरुक्षेत्र है वहां पर जो युद्ध चल रहा है उसके विरुद्ध वहां पर युद्ध करने के लिए भी मानव प्रेरित करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में जो श्लोक दिए हैं उनके ध्यान के संबंधित श्लोक, महात्मा के संबंधित श्लोक, जिन श्लोकों की आवृत्ति हम प्रत्येक सप्ताह के प्रारंभ में प्रत्येक चर्चा के प्रारंभ में करते हैं, उनके अर्थ को भी विस्तृत अर्थ को जानने का भी प्रयत्न किया था। और इस प्रकार से यह भगवद गीता का महात्मा कितना हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है, सब हमने चर्चा करने के बाद श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी, 5वें अध्याय की चर्चा चल रही है, 11वें श्लोक की चर्चा हम लोगों ने लिखी, जहाँ की हमने देखा प्रारंभ में ही अर्जुन पूछता है संन्यास कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम संशोधि यच्चे योनिकम तन्मे दूरि सुनिश्चितम, हे कृष्ण आप कर्मों के सन्यासी और फिर निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में एक निश्चित किया हुआ कल्याण कारक हो उसके लिए उसको मेरे लिए करिए। यहाँ से मानव अध्याय का प्रारंभ हुआ, इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योग शेष करो तयस्व कर्म संन्यास का कर्म योगो विशिष्यते, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ। और फिर ये भी बताते हैं सांख्य योग प्रवदंती पंडिता एक अप्यासित सम्यक उभयो विद्यते, ये संन्यास और निष्काम कर्म योग को गुरु लोग अलग अलग कहने वाले फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी अच्छी प्रकार से हुआ व्यक्ति दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होगा। तो ये दोनों में भेद हमें नहीं करना चाहिए, दो मार्ग हैं, अलग अलग प्रकृति के मनुष्य के लिए दो मार्ग हैं, पर दोनों मार्ग उसी परम सत्य की ओर ले जाते हैं, चाहे संन्यास का मार्ग ले चाहे निष्काम कर्म योग का। एक बार बार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में कहेंगे यह सांख्य प्राप्त स्थान प्रत्योगे के एकम सांख्यम के योगम से यह पश्यति स पश्यति, ज्ञान योग के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है निष्काम कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से देखता है वही यथार्थ देखता है। पश्यति स पश्यति कौन से स्मृत में देखता है, कौन से स्मृत में ठीक देख रहा है, जो इस प्रकार से देखता है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही जाकर के एक ही जगह जाकर के मिलते हैं, ये सब की विस्तृत चर्चा हमने की थी। और फिर बाद में ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम देखता करो दिया लिखते न सब आपे न पद्म पत्र निवाह, जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है वह व्यक्ति जल में कमल के पत्ती के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। यह मानो एक अद्भुत रसायन प्रस्तुत किया गया कि हम संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्त कैसे नहीं हो सकते। भगवान श्री रामकृष्ण देव को यही प्रश्न पूछा गया कि आप कहते हैं कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य मात्र का जो जन्म हुआ है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो क्या आप संसार में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्या हमें संन्यास लेना पड़ेगा,
हमें सब काम काम का छोड़ करके वन में जाना होगा, हिमालय में जाना होगा, संसार का कार्य करते करते संसार में रहते रहते विरोध आश्रम का मैं काम करते विरोध आश्रम में रहते हुए संन्यास आश्रम को ग्रहण न करते हुए क्या हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते? श्री राम को कहते अवश्य कर सकते, परंतु एक ही बात याद रखो कि यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु यदि नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। तो इसी प्रकार से संसार में रहो और संसार तुम्हारे मन में न रहे, संसार के प्रति आसक्ति तुम्हारे मन में न आए। तो यह कैसे हो सकता है? पद्म पत्र विवाह, जिस प्रकार से जल में कमल रहता है तो कमल कमल के पत्तों पर वो जल गिरता है परंतु फिसल करके गिर जाता है। ये कमल का फूल जल में होते हुए भी जिस प्रकार से पानी उसको स्पर्श करता हुआ भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार से ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाहः। जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा के परमात्मा में अर्पण करके और आतिथ्य को त्याग करके कर्म करता है वह व्यक्ति जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से निकाय नहीं है, फिर उसको पाप नहीं लगता। परंतु ये दो शर्तें हमें माननी पड़ेगी कि जिस जो कुछ भी काम करते हैं ये परमात्मा को अर्पण करके करना, जो कुछ भी खाना पीना जो कुछ भी कार्य हो परमात्मा को अर्पण करके करना, और आसक्ति को त्याग करके। कौन सी आसक्ति? ये बात पहले भी हम लोगों ने बताया, फिर से और बार बार उसको बताएंगे कि फलाशक्ति भी त्यागना पड़ेगा, कर्माशक्ति भी त्याग करना पड़ेगा, केवल फलाशक्ति को त्याग से नहीं होगा। ये सब बार बार बताते हैं कि आसक्ति का त्याग और ईश्वर समर्पित बुद्धि यदि यह होगी तो संसार में सब कार्य करते हुए विभिन्न कर्मों को करने से ही जो पुरुष आता है कुछ न कुछ तो कोई ना कोई कर्म करने से कुछ न कुछ उसका वह मानो उस वह कर्म का फल अशुद्धि के रूप में हमारे पास आता है, परंतु उस पाप से या उस दुष्कर्म के परिणाम से हम लिपायमान नहीं होंगे, जिस प्रकार से कमल का फूल लिपायमान नहीं होगा। शर्त यह है कि हम ईश्वर को समर्पित बुद्धि से करें और अनासक्ति पूर्वक करें। काय मनसा बुद्धिया केवल 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 यद्यपि योगिन कर्म कुर्वन्ती संगम त्यक्त्वा न शुद्धये। कायेन मनसा बुद्धिया केवल अपि योगिन कर्म कुर्वन्ती संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो योगी न योगी माने यहाँ हमेशा हमने कहा कि हरदम जब भी योग शब्द व्यवहार होता है भगवद गीता की डिक्शनरी के अनुसार योगी माने कर्म योगी, वह जो योगी माने वो ये जो प्राणायाम करने वाला योगी या योगासन करने वाला योगी नहीं है। हम लोग योगी बोलने से या शब्दों से समझ लेते हैं वो योगासन शीर्षासन ऐसा करने वाला होगा, नहीं। योगी का मतलब भगवद गीता का कर्म योगी। आजकल तो योगी का पूरा डेफिनेशन बदल गया, योगी माने जो शीर्षासन करे प्राणायाम करे या थोड़ा सा कसरत करे उसको हम लोग योगी बोलते हैं, वो योगी नहीं कर्म योगी। तो योगी नहीं निष्काम कर्म योगी। केवल ही माने केवल इंद्रिय इंद्रिया इंद्रिय मनसा मन बुद्धिया बुद्धि और कायेन शरीर द्वारा अपि ही संगम मैंने आपत्ति को त्यक्त्वा त्याग कर आत्मशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कुर्वन्ति। तो निष्काम कर्मयोगी केवल इंद्रिय मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो केवल ही शब्द क्यों दिया? केवल ही का मतलब होता है उसने कर्तापन का अभाव, मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा नहीं, यह जो कर्तापन का अभाव इसलिए कहा केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा अपने अहंकार द्वारा नहीं, कर्तापन की बुद्धि द्वारा नहीं, परंतु केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा वो काम करता है अपने अपने अहंकार को दूर करते हुए और आसक्ति का भी त्याग करते हुए। क्यों कार्य करता है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है। तो
क्योंकि उसको दूसरा कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो निष्काम कर्मी हुई है उसका जीवन का उद्देश्य है मैं यह जो कार्य कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिले। यदि वो इस प्रकार से कार्य करेगा तो फिर वो कर्मयोगी नहीं। निष्काम कर्मयोगी जो है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मैं निष्काम कर्म करते करते कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे अंतकरण की शुद्धि होगी और बाद में जो कुछ भी फल मिलता है वह तो बाय प्रोडक्ट है। वह तो मानो एक कंपनी में जब प्रोडक्शन करते हैं तो मुख्य उसका पेट्रोलियम, वो रिफाइनरी है तो पेट्रोलियम को रिफाइन करता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकालता है, पर उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, कोल तार भी निकलता है और भी निकलते हैं, गैसेस निकलती है, ये सब बाय प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से यह जो कुछ भी फल मिला, हमने जो कुछ भी काम किया उसका मुख्य फल है कर्मयोग, कर्मयोगी के लिए आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। फिर यदि हमने किसी को मान लो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया या बच्चों को दूध दिया, तो यह जो हमने निष्काम कर्म किया यदि उसके भीतर में हमारी भावना निष्काम कर्मयोगी की है तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उससे हमारे हमारे भीतर की आत्मशुद्धि होगी। परंतु ये हो सकता है कि ये दूध देने से मुझको आत्मशुद्धि हुई, साथ साथ में बच्चे को दूध मिला उसके कारण मैल न्यूट्रिशन दूर हो गया, दिस इज एडिशनल बेनिफिट, ये बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट। मेरा जीवन तो मेरा कर्तव्य, मेरा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने जीवन अपनी आत्मशुद्धि करूँ, यह निष्काम कर्मयोगी का उद्देश्य है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म करता है और इसीलिए जब तुरंत कर्म का फल नहीं मिलता है तो निराश नहीं होता है, क्योंकि उसको तो फल उसी तरह मिल गया जब उसने कोई निष्काम कर्म किया, तुरंत उसको उसकी जो चित्त शुद्धि हो गई, अब उसके बाद में दूसरा फल मिला कि नहीं उसके लिए वो इतना लिपायमन नहीं होता है। मिल गया तो बहुत अच्छा है, बाद में मिला तो अच्छा है, फिर वो काश का निराश नहीं होता है, क्यों उसको मालूम है कि कर्म का फल तो आज नहीं तो कल मिलेगा, परंतु उसको जो मुख्य वस्तु थी वो कर्म का फल नहीं, उसको मुख्य वस्तु चाहिए थी चित्त की शुद्धि, वो तो उसे तुरंत मिल गई, क्यों उसने कर्तापन के कर्तापन का अभाव रखा, वो अपने अहंकार को अलग कर दिया, आसक्ति को अलग कर दिया, कर्मासक्ति को भी अलग किया, फलाशक्ति को भी अलग किया, भोक्तापन का भी त्याग किया, कर्तापन का भी त्याग किया, इसलिए वह जो कर्म है वो कर्मयोग बन गया। तो यह अद्भुत रसायन भगवत गीता हमें प्रदान करती है, बिना किसी एक्सपेंडिचर के जो कुछ भी कर्म है वो अनंत सुख देने वाला, अनंत ज्ञान देने वाला हो जाए। एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है, जो हम करने नहीं करें, केवल मन का जो हमारे एटीट्यूड है, जो उसका उसके प्रति उस कार्य के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण मात्र ही बदलना है और कुछ नहीं करना है। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा आत्म शांति, युक्त कर्म कर्म फल त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त काम कारेण फले सत्व निबद्धते। तो निष्काम कर्मयोगी, युक्त मन निष्काम कर्मयोगी कर्म फलम कर्मों के फल को त्यक्त्वा परमेश्वर को अर्पण करके नैष्ठिकी शांति, निष्ठा की शांति को आपनोति प्राप्त होता है। और अयुक्त सकामी पुरुष फले सत्य फल में आसक्त हुआ काम कारेण कामना के द्वारा निबद्ध के बनता है। ये दोनों का भेद है, ये भेद बताया कि ये कर्मयोगी है और साधारण कर्म 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 करने वाला, दोनों में भेद क्या है। जो निष्काम कर्मयोगी है वह कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके शांति को प्राप्त करता है, और जो अयुक्त है सकामी वो व्यक्ति है वो फले सत्र फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता जाता है। बस उसको कही है कि मुझे बस इतना मैंने काम किया उतना फल मुझे मिलना ही चाहिए, बस उसी फल की आसक्ति में है वह भगवत सबक की बुद्धि से नहीं करता है तो वह फंस जाता है, संसार के बंधन में फंस जाता है, वह फिर वो कर्मयोगी नहीं है। और बहुत सुंदर बात कही, इसीलिए उसको शांति नहीं मिलती, जो सकामी पुरुष है उसको शांति कभी नहीं मिलती, थोड़ा मिला और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, पर यह जो भगवत समझ की बुद्धि से करता है उसको शांति मिलती है। बहुत अच्छा शब्द यहाँ व्यवहार किया है, नैष्ठिकी शांति, नैष्ठिकी शांति, निष्ठा की शांति, अद्भुत।
निष्ठा की शांति, नैष्ठिक शांति। तो ऐसा नहीं कहा है कि ईश्वर को जानने वाली शांति, सतपुरुष में शांति कब मिलेगी, परम शांति कब मिलेगी, जब उसका दर्शन हो जाएगा, उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। यह मन में निशंक हमारे मन में यह बात आ जाएगी कि ईश्वर ही सब ईश्वरी परम सत्य है और उसकी अनुभूति हमारे हृदय में होगी। उसको बोलते अनुभूति जब हो गई तब वो परम शांति को प्राप्त होगी। यह जो अनुभूति, यह अनुभूति से प्राप्त होने वाली शांति है वह अनंत सुख अनंत शांति, यह मानव जीवन का लक्ष्य है। परंतु यह कर्म योगी अब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ, उसे वो रियलाइजेशन नहीं हुआ, उसे अभी तक वो रियलाइजेशन के बाद में होगा, क्योंकि वो कर्म करना है ताकि उसको रियलाइजेशन मिले, वो भी साधक सिद्ध नहीं हुआ। साधक होते हुए भी अभी भी उसके उसको उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी अभी भी उसको वह अनुभूति नहीं हुई है, फिर भी उसको शांति प्राप्त होगी। क्यों? नैष्ठिक शांति प्राप्त होगी। नैष्ठिक माने उसकी जो अद्भुत निष्ठा है, यह निष्ठा भी अपने आप में उसको शांति देने वाली है। हम भले उस रियलाइजेशन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, पर हम जो कर्मयोगी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमको ये शांति अवश्य प्राप्त हो सकती है। नैष्ठिक शांति, निष्ठा वाली शांति, हमको निष्ठा है, कर्मयोग में निष्ठा है, हम निष्ठा पूर्वक करे कर रहे हैं और निष्ठा पूर्वक उस कार्य को ईश्वर समझ बुद्धि से करने का प्रयत्न करते हैं। यह जो निष्ठा है, यह भी आपको शांति प्रदान करती है। वह शांति रियलाइजेशन वाली शांति, यह जो अनुभूति वाली शांति, वो तो बहुत बाद में मिलेगी, परंतु साधना के अंत में जब सिद्धि प्राप्त होगी तब वो शांति मिलेगी। परंतु यह तो साधना के समय ही हमें शांति प्राप्त होगी। अद्भुत बात, यह अद्भुत शब्द यहां पर व्यवहार किया भगवद गीता ने, नैष्ठिक शांति, अनुभूति जन्य शांति नहीं, केवल यदि निष्ठा हमारी है उससे भी हमको परम शांति मिलेगी। फिर बाद में जब हमें अनुभूति प्राप्त होगी, साधना के अंत में जब सिद्धि प्राप्त होगी, जब हमें वो आत्म साक्षात्कार होगा, जब हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तब तो वह परम शांति मिलेगी। पर वो तो इसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये तो लंबी प्रक्रिया है, एक दो दिन की, एक दो वर्ष की, एक दो जन्म की बात नहीं है। परंतु यहाँ पर कितना बड़ा हमारे लिए आश्वासन दिया है भगवान ने कि शांति अवश्य मिलेगी। वह शांति कैसी? नैष्ठिक शांति, निष्ठा वाली शांति प्राप्त हो जाएगी। यह जो हमने निष्ठा दिखाई कि यह प्रत्येक कर्म को कर्म योग के रूप में करने की जो निष्ठा बताई, अनासक्ति पूर्वक संसार, अनासक्ति पूर्वक कार्य करने की जो निष्ठा, और यह निष्ठा, निष्ठा पूर्वक हमने काम किया, कोई भी कार्य निष्ठा पूर्वक बोलते हैं, कार्य निष्ठा पूर्वक करो, निष्ठा माने कन्विक्शन, यह कन्विक्शन में होना चाहिए कि यह कार्य मेरा नहीं है, प्रभु का कार्य है, प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है, जो कुछ भी कार्य है प्रभु तुमने मुझे दिया है और तुमने मुझे दिया है, उसको अच्छी से अच्छी करने का प्रयत्न करूंगा और ये प्रभु इस कर्म का जो फल है वह भी तुमको समर्पित और कर्म भी तुमको समर्पित और कर्म का फल भी तुम्हें समर्पित। इस प्रकार की अनुभूति अभी हुई नहीं है, अभी भी मन में तो यही है कि मेरा कर्म है, अभी भी मन में ये लगता है कि नहीं नहीं मैंने कहा, उस भगवान ने कहा अपॉइंटमेंट किया था, ये तो फलानी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया है, यह मन में है अभी भी। वह जो निष्ठा वो आई नहीं है अनुभूति, फिर भी यह जो निष्ठा कि नहीं प्रत्येक कार्य प्रभु का समर्पित बुद्धि से मैं करूंगा, मैं कर्म ही होगा मेरे लिए, यह जो निष्ठा आ गई और निष्ठा पूर्वक मैंने जो भी काम मुझे मिला है, चाहे ऑफिस में किया, घर में काम किया, नित्य काम, नैमित्तिक कार्य किया, नित्य कार्य किया, जो कुछ भी नित्य नैमित्तिक कार्य किया, वो सब कुछ कार्य मैं निष्ठा पूर्वक करता हूँ, भगवत समर्पित बुद्धि से करता हूँ, अनासक्ति पूर्वक करने का प्रयत्न करता हूँ, तो उससे भी मुझे शांति मिलेगी। सिद्धि प्राप्त यदि नहीं हुई कोई बात नहीं, सिद्धि प्राप्त करने के पहले ही यह मुझे शांति मिलेगी। नैष्ठिक शांति, यह जो निष्ठा
आपकी कन्विक्शन, ये बहुत बड़ी चीज है। दर्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है, कई लोगों को दर्शन होते हैं पर उस दर्शन का कोई महत्व नहीं, ये निष्ठा का महत्व है, निष्ठा का महत्व है। कितने लोगों को कितने प्रकार के दर्शन होते हैं। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज थे, हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष थे, तो 12वें अध्यक्ष, तो उनको इस प्रकार से वो जब ऋषिकेश तपस्या के लिए गए थे तो कुटिया में रहते थे, तो एक कोई साधक थे, श्री कृष्ण भगवान को मानते थे और साधना करते थे, वो भी पास में ही तपस्या करते थे, तो साथ पास की कुटिया में रहते थे, इनके पास की कुटिया में, वो रोज आते सुबह बुझते, और रात को तो श्री कृष्ण भगवान आए और इस प्रकार से बंसी बजा रहे थे और इस प्रकार के दर्शन दिए। तो महाराज जी सुनते, देखो भाई उसको इतना आगे बढ़ गया, उसको इतने दर्शन होते हैं और हमको तो अभी तक दर्शन नहीं हुए कुछ। फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने देखा कि वहां पर गए थे भंड, वहां पर जाते हैं भिक्षा के लिए अन्न क्षेत्र में, तो भिक्षा के लिए गए थे, वहां पर आधी रोटी के लिए बहुत झगड़ा करने लगते थे वो वाले। तब उन्होंने कहा भाई भगवान मुझे दर्शन वर्शन नहीं चाहिए। ये भी दर्शन का प्रभाव यही है कि आधी रोटी के लिए लड़ता झगड़ता है, इतनी ईर्ष्या इतना काम क्रोध है तो मुझे ये दर्शन नहीं चाहिए। तो ये दर्शन का कोई महत्व नहीं है, और ये दर्शन का प्रभाव क्या है देखना चाहिए, जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। यदि हमारे जीवन में उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो दर्शन का कोई महत्व नहीं, उपलब्धि का कोई महत्व नहीं। श्री स्वामी विवेकानंद शिष्य के साथ वार्तालाप करते हैं और कहते हुए कहते, देखो असली बात तो श्रद्धा है, ये जो कन्विक्शन है, निष्ठा है, जो कन्विक्शन दृढ़ विश्वास, यही तो असली चीज है। अब एकादश अध्याय आएगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं विश्व रूप दर्शन, उसके लिए उनको दिव्य नेत्र देते हैं और वो विश्व रूप दर्शन देकर के बाद में अर्जुन की पूरी लैंग्वेज बदल जाती है। अभी तक तो इधर इतना सारा उनके साथ आर्गुमेंट कर रहा था, इतना वाद विवाद, जहाँ विश्व रूप देखा तो हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं आपको सखा ऐसा कहता था, आपको बंधु कहता था, ऐसा विराट स्वरूप जब बताया तब एकदम डाइल्यूट हो गया अर्जुन। परंतु यही विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं, दुर्योधन को बताया, दुर्योधन ने बताया, दुर्योधन पर यह सब कुछ नहीं हुई, बल्कि कहा देखो जादूगर आया, अपना जादू दिखा रहा है, कोई असर नहीं हुआ। तो वही विराट स्वरूप देख करके अर्जुन महाभक्त बन गया और उसने कहा प्रभु मैं जैसा मैं बोलूंगा आगे करूंगा, मैं अभिभूत हो गया। और वही विराट स्वरूप जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया, दुर्योधन बोला ये माया भी है और अपने बहुत जादूगरी अपनी दिखा रहा है, उल्टा उसको गाली देने लगे, कोई असर नहीं हुई। तो श्रद्धा के ऊपर है, तो दर्शन तो दोनों के एक ही प्रकार का हुआ, एक को श्रद्धा बढ़ गई, एक को श्रद्धा घट गई। तो श्रद्धा ही असली चीज है, विश्वास असली है, नैष्ठिक इंसान की निष्ठा ही असली चीज है। रामकृष्ण मठ मिशन के हमारे दसवें परमाध्यक्ष थे स्वामी गिरीश्वरानंद जी महाराज, वहां के शिष्य थे, अद्भुत, ये तो रियलाइज सोल माने जाते थे कि जिनको जिन जो मूल मूल समाधि अवस्था में भी जाते थे, तो हम लोगों ने भी देखा है, अत्यंत उच्च कोटि के वे महात्मा। परंतु ये जो जैसी परंपरा रामकृष्ण मठ मिशन में है कि ये बताते नहीं है कि कौन क्या है कि, तो ये सब जो है श्री रामकृष्ण जी ने खुद ने कहा है कि अपने गुरु के सिवा जो उपलब्धि होती है किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो कुछ भी दर्शन होते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि होती है वो केवल अधिक से अधिक गुरु के साथ उसकी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा नहीं है। इसलिए यहाँ पर वर्षों में शिक नहीं है कि भाई कौन रियलाइज होल्डर, किसका क्या है, किसने कितनी अनुभूति है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। हम लोग यही कहते हैं कि भाई अपने अपने निष्ठा लेकर के आप भी आगे बढ़िए और जैसा रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण देव जैसे उपलब्धि हुई थी आप हम लोग को भी कर रहे हैं, अभी इसी प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से हम उस प्रश्न को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे कई लोग रहते हैं अपने अपने विचार के अनुसार आते हैं, तो पढ़ लिया वहां पर किसी किताब में, एक युवक ने इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ थे श्री रामकृष्ण के पास गए
और पूछा पहले कई महात्मा पैदल, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ओकांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब पाश्चात्य दर्शन को पढ़ने के बाद अज्ञेयवादी बन गए थे। ऐसे ये कहते थे मुझे, मैं तो मुझे प्रमाण चाहिए, आप ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। प्रमाण क्या है? आपने क्या खुद को देखा है? क्या खुद ने आपको देखा है ईश्वर अशुभ आपने खुद ने देखा है? तब आप बोलिए। तो सभी महात्मा से ऐसा पूछ लेते, आपने ईश्वर को देखा है? कोई संतोष का उत्तर नहीं दे पा रहा था। ईश्वरचंद फिर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पास गए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, वो बहुत ध्यान में लीन रहा करते थे, जहाज की कैबिन में हमेशा रह करके ध्यान करते थे। जब कहीं से उत्तर ठीक नहीं मिला तो उन्होंने सोचा, उन्होंने सुना भी थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, तो वहां पहुंच के वहां भी कैबिन में जा करके पूछा, महाशय मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना कि आप ईश्वर को बहुत ध्यान करते हैं, तो आपने क्या पूछे ईश्वर को देखा है? और फिर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बेटा कहीं आपने तो योगी के समान में बड़ी सुंदर है। और नरेंद्रनाथ बड़े निराश थे कि वो तो प्रश्न का उत्तर चाहते थे, अभी इनकी प्रशंसा का कोई उनको मतलब नहीं था, बड़े निराश थे। बाद में जब कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश स्टेट कॉलेज में पढ़ते थे, वहां पर इंग्लिश प्रोफेसर वहां एब्सेंट थे, इंग्लिश के प्रोफेसर, तो जिस मुद्दे नहीं आए थे तो प्रोफेसर विलियम वेस्टी जो उनके प्रिंसिपल थे खुद लेने आए क्लास इंग्लिश लिटरेचर का, और वर्ड्सवर्थ की कविता सुना रहे थे एक्सकर्शन नाम की, और तब उसमें वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य देख करके एकदम समाधि अवस्था में चला जाता है, अति चेतन अवस्था में चला जाता है, और तब विद्यार्थी लिटरेचर सब प्रश्न भी क्या ऐसा संभव है कि कोई इस प्रकार से अति चेतन अवस्था में चला जाए, समाधि अवस्था में चला जाए। ये प्रोफेसर विलियम एस्टी ने कहा, हाँ संभव है, और मैंने स्वयं एक व्यक्ति को देखा है जो इस प्रकार से बारंबार समाधि अवस्था में जाता है, जो तुम चाहो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वे महात्मा यहाँ पर कलकत्ता में रहते हैं, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर वहां पर वे रहते हैं। और तब नरेंद्रनाथ ने सोचा ठीक है चलो ये बाबा जी को भी देख लें, और फिर गए वहां पर दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर में, रामकृष्ण जी के कमरे में जाकर के कोने में बैठ गए, तो रामकृष्ण जी वातों वार्तालाप कर रहे थे भक्तों के साथ। थोड़ी देर तक बातचीत सुनने के बाद फिर अच्छा चलिए आप तो बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी ईश्वर की, अच्छा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने खुद ने क्या ईश्वर के दर्शन किए? ये पहले बताइए। तब श्री रामकृष्ण जी ने पहली बार उनको संतोष प्रकट किया, हाँ बेटा मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूँ उस प्रकार से मैं उनके दर्शन करता हूँ, और यदि तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा और तुझे साधना कर। तो यह मानो यह साइंस है, एक विज्ञान है, विज्ञान कहता हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनकर पानी बनता है, इसी प्रकार से रामकृष्ण कहते हैं चले ना और तुमको भी ईश्वर के दर्शन। तो यह किसी युवक ने मान लो पढ़ लिया होगा, तो अब हमारे किसी रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी के साथ आकर के बोला, सर आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। वो समझ गए कि किस प्रकार का ये सर, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? तो सन्यासी, उन सन्यासी ने, महात्मा ने थोड़ी देर तक उसको देखा, उसके बाद में बोला, उन्होंने कहा देखो यू सी You are not Narendra and I am not Ramakrishna. Come to the next question. तुम नरेंद्रनाथ नहीं हो, मैं रामकृष्ण देव नहीं हूँ, पहले नरेंद्रनाथ बनो फिर तुमको रामकृष्ण देव मिलेंगे। कई लोग बोलते कोई इस प्रकार का प्रश्न का हम उत्तर दे देगा, हाँ मैंने बेटा ईश्वर से दर्शन, तू चाहे तो तुझे भी दर्शन कर और उसी को मैं गुरु बनाऊंगा। पर ये भूल जाते हैं कि नरेंद्रनाथ उस समय क्या उनकी सत्य के लिए कितनी तालाबंदी थी, कितनी तत्परता थी, कितना महान त्याग उन्होंने किया था, किस प्रकार के वो लक्षण शिष्य के सभी लक्षण छठ संपत्ति शिक्षा श्रद्धा समाधान छठ संपत्ति नित्यानंद वस्तु विवेक या मध्य फल भोग राग विराग, ये जितने लक्षण शिष्य के उसमें थे तब जाकर उनको सद्गुरु मिले। हमको खुद नरेंद्र के समान प्रश्न पूछना है, पर नरेंद्र बनने की तो कोई हमारी अभी योग्यता नहीं, इसलिए जो भी होगा अब कुछ लोग इस प्रकार से प्रश्न पूछ देते हैं, हम लोग पूछ देते हैं, फिर उसको अलग अलग प्रकार से उसका उत्तर दिया जाता है, उसको अवॉर्ड दिया जाता है।
हमारे वो गिरीशानंद जी महाराज के पास सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस एन रे, ये रामकृष्ण देव उन्होंने महाराज के पास मंत्र दीक्षा प्राप्त की। तो ये एक बार आए थे शाम को संध्या आरती के बाद महाराज आए, तो महाराज ने उनको अब वो तो रिटायर्ड जस्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको चेयर दी, चेयर पे वो बैठे। और ऐसे तो कई बार आते थे महाराज, उनको थोड़ा प्रसाद भी दिलाते थे, कभी कभी चाय भी पिलाते। अब अचानक उस दिन प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछना चाहिए, आपको सत्य का साक्षात्कार हुआ है? एक प्रश्न पूछ दिया। अब बाकी सब लोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक द्वारा ये पूछ रहे हैं कि आपको सत्य का साक्षात्कार हुआ है गिरीश्वर निमान। गिरीश्वरानी मान ने थोड़ी देर तक चुपचाप रहे, फिर उन्होंने एक ही वाक्य कहा, देखिए राय बाबू, श्री राम कृष्ण परम सत्य है, ऐसी श्रद्धा रख करके, ऐसी निष्ठा रख करके मैंने अपने जीवन के 7 साल तक संन्यास व्रत ग्रहण करके रखा है, इतना ही बताया। वह मोह दिन हुआ, श्री राम कृष्ण ही सत्य है, इसकी ये कन्विक्शन लिख रहे हैं, विद दिस कन्विक्शन, ऐसी निष्ठा, नैष्ठिक शांति, यह निष्ठा रखते हुए जीवन के 7 साल का संन्यास जीवन दे दिया है। उस समय उनकी उम्र रही थी कम से कम 85 वर्ष, 25 साल की उम्र में ज्वाइन किया होगा रामकृष्ण मिशन में, वो आया होंगे, तो 60 साल का संन्यास व्रत, अखंड व्रत, यह केवल श्री रामकृष्ण परम सत्य है। यदि वो परम सत्य नहीं होते, उस प्रकार की वह जो अनुभूति नहीं होती, तो नैष्ठिक शांति, यह जो निष्ठा, यह अधिक महत्व की है। उपलब्धि हुई कि नहीं, सत्य की उपलब्धि में हुई, अच्छा सत्य की उपलब्धि हाँ हुई, कल हमको रंग बिरंगे सब खेल दिखे सपने में, या फिर जब हम सोए हुए थे आधे जगह जागृत अवस्था में, दीवार में देखा हमने ईश्वर आए और आशीर्वाद लेके चले गए, दीवार में से अदृश्य हो गए, बस ईश्वर का दर्शन हो गया। किसको, कितने कितने लोग, कितने कितने प्रकार के ईश्वर के दर्शन होते हैं, फिर आधी रोटी के लिए लड़ते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं, उनके जीवन में क्या परिलक्षित हुआ। तो एक्चुअली ये प्रश्न पूछने की बात नहीं, सत्य का साक्षात्कार हुआ या नहीं, यदि आप पूछें तो जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने सत्य का साक्षात्कार किया, और जिसने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया वो जरूर बोलेगा कि मैंने सत्य का साक्षात्कार किया, क्यों, उसको तो पब्लिसिटी चाहिए, वो तो बोलेगा कि मेरा साक्षात्कार दिन है, या उसको आप अलग से मनाइए ताकि और भी नाम यश मुझे मिले। तो जिसे नाम यश की आकांक्षा है और इसलिए अपना साक्षात्कार दिन जो मनाता है, सचमुच में यह 100% मान लेना चाहिए कि उसको साक्षात्कार नहीं हुआ, बाकी जो बोलता है उसे साक्षात्कार नहीं हुआ, संभव है उसको साक्षात्कार हुआ हो ना भी हुआ, पर जिसको जो बोलता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ है उसको तो जरूर नहीं हुआ। पर हाँ, यह जो एक अलग परिप्रेक्ष्य में नरेंद्रनाथ अत्यंत व्याकुल थे, उस व्याकुल अवस्था में जब वो गुरु के पास जाते हैं, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं, श्री रामकृष्ण ने कहा, सबको नहीं कहा, कि जब उसकी देखा कि उसकी व्यथा उस प्रकार की है, व्याकुलता है, तब उन्होंने उस प्रकार से कहा। तो यह हमें डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो यह जो उपलब्धि, जो अनुभूति का कोई महत्व नहीं है, मुख्य है नैष्ठिक निष्ठा का महत्व, नैष्ठिक शांति, यह जो निष्ठा, इस निष्ठा के द्वारा श्री राम वीरेश्वर जी मानने का मैंने 60 वर्ष संन्यास जिंदगी बिता दिए, तो सत्य का साक्षात्कार किया है तो उसका प्रमाण क्या है। तो कोई कह दे कि मैंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो मान लेते हैं, बिल्कुल नहीं माने। और यदि कोई कहता है कि मैंने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तो हम मान लेंगे, बिल्कुल नहीं माने। तो कैसे मानेंगे, तो भगवद गीता में हम लोगों ने कहा था कि जिसको इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है
उसको कितने कितने प्रकार से फिर से बताएंगे, जो तीनों गुणों से अधिक है उसकी भी लक्षण उसी प्रकार के। और वहां पर द्वितीय अध्याय में लक्षण बताए कैसे बता। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रजा लीला कामान सर्वान पाप मनोवदान आत्मनिवासना दुष्ट प्रज्ञ से दो चुके। तो जिसने जिस सभी का सभी कामनाओं को जिसे त्याग किया है, प्रजा लीला कामान सर्वान मनोगतान और आत्मा में ही जिसकी आत्मा के इसमें आत्मा में संतुष्टि है, उसको अपनी संतुष्टि के लिए दूसरों किसी दूसरे किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता नहीं, उसको हम समझ लेते हैं उसको ईश्वर का दर्शन हो गया, उसको साक्षात्कार हो गया, वही सिद्ध प्रज्ञा हो। अब ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं भी कह सकता हूं हमारी सब कामनाएं चली गई थी, मुझे अपने आप को समझने के लिए मैं तो अपने आप का निरीक्षण करूंगा भाई सब काम है लेकिन नहीं गए तो अभी नहीं हुआ, बाकी है धीरे धीरे होगा। परंतु सामने वाला तो हुआ कि नहीं कैसे पता पड़ेगा, कोई ये नहीं कहेगा मुझे मैं पर गया हो गया मुझे साक्षात्कार हो गया, ये कथा पड़ेगा। तो पहला टेस्ट पता है सब्जेक्टिव टेस्ट, तो अर्जुन के मन की दुविधा को दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बताते हैं श्री कृष्ण भगवान द्वितीय श्लोक में, दुखेश्वर मना सुखेशु विगत स्नेह वीत राग भय क्रोध सिद्धिर मुनि रुच्यते। दुखों में जो उद्विग्न नहीं होता, हम लोग कितने उद्विग्न, छोटा सा दुख पड़ा एकदम उद्विग्न हो जाते हैं, टेंशन आ जाता है, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, यह जो है वह मानव भी हम बहुत दूर हो। दुखेश्वर उद्विग्न होना सुखेशु विगत स्नेह, और सुख से वह सुख से भी छक नहीं जाता, दुख से भी व्यतीत नहीं होता। दुखेश्वर जिन मना सुखेश विगत वीत राग भय क्रोध, राग माने आसक्ति, वीत राग भय, भय अक्रोध, तो आसक्ति क्रोध और भय इन सभी प्रकार की जो भावना है उन से वो विगत होता है। तो सत्य का साक्षात्कार हुआ है नहीं यह मानव महाराज को पूछने की आवश्यकता नहीं, उनके आचरण से समझ सकते। हम लोगों ने तो उनको बहुत नजदीक से देखा, कितने प्रकार से देखा, कितनी बार से मिले, कितना प्रकार के किया, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार से वह जो सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण ये सब हमें मिल जाते हैं। ये हमने अपनी नजर देखा, कितनी बार समाधि अवस्था में देखा वो अलग बात, वो तो समाधि अवस्था में उनको देखा बहुत बार, परंतु यह जो लक्षण बताया सिद्ध प्रज्ञ के बारे में यह लक्षण भी उनने सब देखे। वीत राग भय क्रोध, उसके एक ही उदाहरण है कि वहां रायपुर में एक आश्रम है छत्तीसगढ़ में हमारा, तो रायपुर आश्रम में महाराष्ट्र आए हुए थे, ये 1969 की बात, जब पहली बार रामकृष्ण मिशन का वो केंद्र हो गया, 67 में उसका एफिलिएशन हो गया, और उसके बाद में 69 में महाराज आए, और उस समय वो दीक्षा दी, उनके उनकी एक शिष्य थी, वो महाराज को बहुत श्रद्धा करते थे, महाराज उसको बहुत प्यार करते थे, तो महाराज के लिए खाना भी लाती थी, सब कुछ सेवा सेवा में जो उनके हमारे स्वामी जी लोग सब ले आके देती थी, तो बहुत सेवा करती थी, काफी बहुत ही श्रद्धा वहां वो शिष्य। अब ये लोग पहले ग्वालियर में रहते थे, बाद में रायपुर में आए, तो ग्वालियर में हमारा रामकृष्ण मिशन का प्राइवेट सेंटर, ऑफिशियल सेंटर नहीं, तो स्वामी आत्मानंद जी उस समय 20 सेंटर बनाए थे रायपुर आश्रम का, ऑफिशियल हो गया, बाकी सब तो धीरे धीरे करके वो एफिलिएट हो रहे हैं, तो ग्वालियर का भी एफिलिएशन नहीं हुआ, अभी भी एफिलिएशन नहीं हुआ है, तो वो प्राइवेट सेंटर था, तो वहां पर जो स्वामी जी थे बाहर के हमारे ऑर्डर के नहीं, पर दूसरे एक बहुत ऐसे स्वामी जी थे जो वहां पर रहते थे, तो वहां के संपर्क में वो आए हुए थे, तो पहले ग्वालियर में कभी वो मंत्र दीक्षा उन्होंने बहुत कई वर्ष पूर्व ली है ये महिला। अब इनके जो
पति देवता थे वो डॉक्टर थे और एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एकदम श्रद्धावान और ये बिल्कुल धर्म में से बिल्कुल उसके विरुद्ध अच्छे, ऐसा नहीं कि वो मैंने खराब कोई व्यक्ति नहीं थे, परंतु भगवान भगवान ने ये सब भगवान मंदिर जाना भगवान होना उससे बिल्कुल विरक्त, एकदम विरक्त, सवाल ही नहीं है उसका। अब ये जब इन्होंने महाराज ने जब ये आए तो मंदिर दीक्षा का हुआ प्रबंध हुआ, सबको मंदिर दीक्षा देंगे, तो उनका जो छोटा बच्चा था तो उसने कहा कि मुझे भी मंदिर दीक्षा देना, क्योंकि छोटे बच्चे को नॉर्थ देते नहीं दीक्षा हम लोग, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो समझेगा कि हमको गुरु का कुछ चयन करेगा कि कौन गुरु होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको दीक्षा देंगे। वो इसलिए मिनिमम 12 साल उम्र रखी, वो भी वैसे तो हम लोग बोलते हैं बड़ी उम्र का होने के बाद फिर भी मिनिमम 12 साल रखी, परंतु जहां तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है कि वो अपने गुरु का चयन करे तो उसके बाद उसको होगा। और गुरु तो एक ही बार होते जीवन में, एक बार दीक्षा गुरु एक ही होते, शिक्षा गुरु नहीं हो सकते, तो दीक्षा गुरु की बातें बदल भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं दीक्षा गुरु बाद में करना, अभी तुम ऐसे मंत्र का जब ऐसे भगवान का नाम लो मंत्र दीक्षा नहीं। और ये छोटा बच्चा था उसके भविष्य में शायद रही होगी 10-12 साल रही होगी जो भी होगा, उसने कहा मुझे दीक्षा लेने से देखा, सब लोग दीक्षा है उसकी अपनी माँ को देखा था किस प्रकार से मंत्र जाप कर दिए देगा, तो उससे उसको प्रेरणा भी होगी, तब उसने जीत लिया मुझे दीक्षा लेनी है, तो उसको जो ही बोला कि नहीं तुम बड़े हो जाओ उसके बाद में दीक्षा दे, तो डायरेक्टली पहुंच गया महाराज के पास। महाराज पास जा करके रोने लग गया कि ये लोग बोलते हमारी दीक्षा नहीं होगी दीक्षा नहीं, बहुत रोने लग गया महाराज से। माँ शारदा देवी के शिष्य थे, अब उनका हृदय इतना कोमल, अब छोटा बच्चा रो रहा है तो क्या करें, तो फिर उसको बुलाया, बोले कि देखो ये छोटा बच्चा रो रहा है, अब छोटा बच्चा रहे या फिर स्त्री पत्नी रहे तो पति को पूछ करके हम लोग देते हैं, नहीं तो उसके पूर्व में भी कई कॉम्प्लेक्स हुए, यदि कोई स्त्री लेना चाहे तो पति की या माता पिता की परमिशन मिलेगी, छोटा बच्चा और माता पिता की परमिशन मिलेगी नहीं पहले देख ले। तो उसकी माँ ने कहा मुझे तो मुझे बहुत आनंद होगा यदि आप उसको कृपा करें, पर उसके पिताजी को पूछने लायक नहीं है, वो तो ना बोलेंगे मेरे को 100% मालूम है, वो तो तुरंत बल्कि और भी गुस्से में हो जाए, गुस्से हो जाएंगे और हम लोग आना जाना भी बंद कर देंगे, इसलिए बोले कि वही बात है। तो फिर अब क्या किया जाए, अब लड़का छोड़ नहीं रहा है, मान कर देखो ऐसा करो कि उसको अभी मत बताना पर बाद में बता देंगे, अभी उसको बताने की जरूरत नहीं, जब लड़का इतना बोल रहा है ठीक है इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि भाई उसको तैयारी कर दी का मंत्र दीक्षा हो जाएगी और बाद में किसी अच्छे समय पर मूड देख करके तुम उसको बताना कि इस प्रकार की दीक्षा नहीं, ये इसको हुआ इस प्रकार का अरेंजमेंट हुआ। अब उसकी दीक्षा होगी, लड़का बहुत प्रसन्न जा करके पहली जा करके वो ग्वालियर के जो स्वामी जाए रहे थे उस समय दायित्व में आए थे उनको जाकर प्रणाम किया, मेरी तो दीक्षा होगी, तेरी दीक्षा होगी, इतने छोटे बच्चों को देते नहीं है, अरे तेरे पर विशेष सेवा होगी, विशेष वो भी बहुत आनंदित हुए। अब उसके पिताजी आए, वो तो कार लेकर के उसको ले जाएंगे, उसको और उसकी माँ को लंच के समय आए ले जाएंगे दोपहर को, फिर 12 बजे सुबह हो जाए लेने के लिए आए, जैसे लेने के लिए आए तो स्वामी जी ने बताया अरे आप तो बड़े भाग्य वाले हैं, आज तो आपके लड़के की लड़के पर महाराज ने कृपा कर दी दीक्षा दे दी, अब उनको क्या पता कि इस प्रकार से ये कहा गया कि अभी नहीं बताया जाएगा उसको, उसको परमिशन नहीं मिली है, वो अपने भोले भाव से बताया कि अभी आप तो बड़े भाग्यवान हैं, आज जो महाराज ने उसको कृपा की छोटे बच्चों को भी दे देंगे और उसको दीक्षा दे दी है, हम बड़े भाग्यवान हैं, दीक्षा दे दी, दीक्षा एकदम से पूरा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जहाँ महाराज गए थे तो वहां गए, और उस समय सभी लोग गए थे खाने के लिए, दोपहर का लंच का टाइम था, कोई नहीं था, हम लोग एक दूसरे सेवक थे वो महाराज की सेवा में रहते थे पीछे के घर में थे, और उनके सेवक स्वामी जी बाकी सबसे गए थे एकदम से सीढ़ी पर चढ़े और बिना किसी परमिशन के एकदम से अंदर घुस गए, महाराज के कपड़े में घुस गए, जहाँ महाराज घुस करके इतना गाली दिए, इतना गाली दिए, हम एक अपने नौकर को भी इस प्रकार से गाली कभी देते सुना, खराब गाली,
ये तो अपने आप को बड़े बड़े महात्मा कह दो कि लोग इस प्रकार झूठ बोलते हो, उनको इस प्रकार से उनको भुला में डाल करके इस प्रकार से बच्चों को भुला करके तुम दीक्षा दे देते हो और अपने आप को बड़े महात्मा। एक अहंकार इतना भारी बहुत जारी किया। उस समय महाराष्ट्र में देखा निर्विकार भाव किस प्रकार निर्विकार, एक छोटी सी रेखा भी उनके सिर से हमने ली, उनके कपाल छोड़े सब सुन रहे हैं ये तुम्हारे मूर्ख की किस्मत, ये हमने खुद ने देखा। इतनी सारी बातें जिनके दर्शन प्राप्त करने के लिए समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट महाराज पूरे विश्व में कितने लोग लंबी बड़ी लाइन लगाते हैं, जिनके हजारों मंदिर दर्शन करते हैं, कितने महान व्यक्ति, इनको एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार से गाली दे रहा है 5 मिनट 10 मिनट सब सुन। निर्विकार भाव किसको बोलते हैं, खुद ने देखा यह सीधा कर दे। बाकी नैष्ठिक जो शांति उसी बात है निष्ठा नैष्ठिक शांति, यह नैष्ठिक शांति चुपचाप निर्विकार भाव और यह जितना गैस निकाल करके देखा कुछ तो बोल ही रहे, जितना गली गाली का स्टॉक पूरा खत्म हो गया, जितना गैस भी पूरा खत्म हो गया, गैस भी निकाल दिया, तब लेकर के पैर पसारते हुए नीचे गए और लड़के को लेकर चले। बाद में उन्होंने सेव को कहा, सेवक को कहा देखो 6 महीने में जो काम होने वाला था उसको 2 साल लगेगा, बस इतने ही काम 6 महीने में जो काम होने वाला था यदि उसने जो इतना कहा इसके उसको 2 साल लगेगा। ठीक 2 वर्ष बाद एक्सैक्ट 2 साल बाद उनको अमेरिका जाना हुआ, वो उसने खुद अपनी पत्नी से कहा तुम्हारे गुरुदेव के पास से आशीर्वाद बिना लिए मैं जाऊंगा, इतना परिवर्तन 2 साल में हुआ। फिर गए बेलुमा खुद ने दीक्षा ली महाराज के पास से और फिर पर जो काम 6 महीने में होने लगा था उन्होंने इतने काम, जो काम 6 महीने में होने लगा था उसको 2 साल लगे, ठीक 2 साल। तो यह तो हम लोगों ने देखा है, तो ये नैष्ठिक शांति। तो महाराज ने कहा सत्य का साक्षात्कार हुआ कि नहीं अलग बात है, पर सत्य मान करके यह जो कन्विक्शन निष्ठा, यह जो नैष्ठिक शांति, ये नैष्ठिक शांति ज्यादा महत्व है। तो इसलिए कोई कह रहा कि हमने इतना रिलेंट हो गया, इतना हमको ये हो गया, अनुभूति हो गई, इसका कोई महत्व नहीं। नैष्ठिक शांति तो कहते हैं निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके यह जो नैष्ठिक शांति निष्ठा की शांति को प्राप्त होता है, और सकामी व्यक्ति जो है वो फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता जाता है, ये दोनों का भेद है। और उसके बाद में सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुनरेति नैवं कुर्वन् नैव कुर्वन् कारयन्। और बहुत सुंदर इसके बाद में और 2 श्लोक आते हैं, तो ये जो श्लोक है उनकी चर्चा हम लोग आज नहीं करते हुए अगले रविवार को करेंगे, आज ही समाप्त करें।